अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सेलर सेंट्रल क्रिएशन। अमेज़ॉन पे आपने सेलर सेंट्रल किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टोटली ए से ले के जी तक स्टेप हम आपको आज बताएंगे कि सेलर सेंट्रल क्रिएशन के लिए क्या क्या स्टेप रिक्वायर है। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें अकाउंट क्रिएशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट, उसके बाद आता है चार्जेबल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जिसके ऊपर आपने क्या कहते हैं $39 देने हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए अमेज़ोन को। बैंक अकाउंट आपको जिसमें आपने अमेज़ोन की पेआउट्स मंगानी है, यानी कि आपने सेलिंग की अमेज़ोन के ऊपर, उसके बाद आपने अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग की, उसके बाद आपकी 14 डेज पर पे आउट आनी है, वो जिस अकाउंट में आनी है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। ये पेनियर का वाइस का चल सकता है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट इशू नेशनल आईडी ये चाहिए, और ये 900 DPI पे ऊपर स्कैन होनी चाहिए तभी अमेज़ॉन एक्सेप्ट करेगा। इसमें पासपोर्ट भी आपका चल सकता है और नेशनल आईडी कार्ड जो इंग्लिश वाला है वो भी चल सकता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल, जो आपने गवर्नमेंट आईडी अमेज़ॉन के ऊपर अपलोड किया है उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए अमेज़ॉन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगता है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट होती है या आपकी यूटिलिटी बिल होता है। इन दोनों में से एक भी है तो आपका चल जाएगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन बेसिकली EIN नंबर को हम कहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको प्रोफेशनल अकाउंट को इंडिविजुअली तौर पे अपना अमेज़ॉन से रजिस्टर्ड करवाना है। जैसे ही आपका इंडिविजुअली तौर पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे LLC नेम और EIN नंबर अपना अपलोड कर देंगे, तो देन ये आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक ईमेल चाहिए और लास्ट पे आपको चाहिए फ़ोन नंबर। इसके बाद हम आते हैं अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। आपके पास ये वेबसाइट शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, साइन इन के ऊपर, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, नो थैंक्स, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट योर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेम टाइप करेंगे भी जिस नेम से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मोहम्मद अरशद के नाम से हमने अप्लाई करना है तो मैं मोहम्मद अरशद टाइप करूँगा। उसके बाद ईमेल आप टाइप करेंगे जिस ईमेल के ऊपर आप इसके अकाउंट को एक्टिव करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को री एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अमेज़ॉन आपकी जीमेल के ऊपर एक OTP सेंड करेगा। आपने उस जीमेल को ओपन करके वहाँ से OTP यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, तो अमेज़ॉन आपको क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको इस तरीके से चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके अंदर आपने वैलिड गवर्नमेंट आईडी और पासवर्ड, बैंक अकाउंट और वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बिज़नेस लोकेशन वो सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान को यूज़ सिलेक्ट करना है। अगर आप UK में रहते हैं और US में के सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने UK सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम बिलहाल हमारे पास जो इस टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो UK का है, तो इसलिए हमने UK सिलेक्ट किया। टाइप बिज़नेस टाइप में जाके आप इनिशियली तौर पे इंडिविजुअल का करेंगे, इंडिविजुअल का अकाउंट अप्रूव करवाएंगे, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया IAM इंडिविजुअल। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम देंगे। फर्स्ट नेम आपने वो देना है जो आपकी नेशनल आईडी के ऊपर है या गवर्नमेंट आईडी के ऊपर है, कोई अपने से नेम नहीं देना क्योंकि ये वेरीफाई होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना नेम देंगे।
उसके बाद ये नीचे चेकबॉक्स आ रहा है, आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन आर कैन नॉट बी चेंज लेटर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ से बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार उसको कन्फर्म कर दिया तो देन आप अमेजोन का अपना एड्रेस उसी कंट्री का शो होगा जो आपने बिजनेस आइडेंटिटी में करवाया हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख लें भी, आपको रेजिडेंशियल एड्रेस यूनाइटेड किंगडम में दे रहा है और वो आपको चेंज करने की ऑप्शन भी नहीं दे रहा। उसके बाद आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आएंगे। अच्छा, यहाँ से आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जहाँ पे आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा पर्सन पाकिस्तान में रहता है तो हमने इसलिए पाकिस्तान सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने क्या कहते हैं कंट्री ऑफ बर्थ बताना है भी, किस कंट्री में वो पैदा हुआ है, तो वो पाकिस्तान में ही हुआ है तो हमने पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया। डेट ऑफ बर्थ को आपने बड़े ध्यान से पुट करना है, डेट ऑफ बर्थ पुट कर दिया आपने। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होगी, अच्छा जी। उसके बाद हमने सिलेक्ट करना है भी हमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट करना है, तो पासपोर्ट पे आप क्लिक करके उसका क्या कहते हैं कंट्री बताएंगे भी, कौन सी कंट्री ने इशू किया हुआ है। अगर आपने नेशनल आईडी करना है तो नेशनल आईडी को भी इसी तरीके से आप सर्च करके वो करना। उसके बाद हम पासपोर्ट बताएंगे भी, हमारा कंट्री ऑफ इशू पासपोर्ट कौन सा है, वो है पाकिस्तान, तो हमने पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं पासपोर्ट नंबर दूंगा आपके, उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर शो हो रहा होगा आपको नंबर, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी दूंगा। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड किया मैंने, जो मेरा यूके का है, यूके का एड्रेस ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको नंबर को वेरीफाई करके नीचे टाइप करना है, करेक्टर को टाइप करना है, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी, करेक्टर को टाइप हो रहा है और वो आपके नंबर के ऊपर, जैसे आप करेक्टर को टाइप करके क्लिक करेंगे वो आपके नंबर के ऊपर ओटीपी भेज देगा, नंबर को वेरीफाई करना है, ठीक है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे मांगेगा भी आपने किस अकाउंट के अंदर पे आउट मंगवानी है, तो जिस अकाउंट के अंदर आपने जो भी अकाउंट ऐड करना है उस अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि हम यूनाइटेड किंगडम के अंदर हैं तो हमने इसलिए यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने बैंक नेम बताया भी कौन सा है, उसका बैंक शॉर्ट कोड दे दिया आपने, आपके ये बैंक वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट कोड, जैसे ही हमने शॉर्ट कोड पुट किया उसके बाद हमने बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर अपना, जो कि आपको पता ही होगा बैंक अकाउंट नंबर आपने करना है, और उसको एक्सेप्ट रीटाइप करके उसके बाद आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और वेरीफाई माय बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपके अकाउंट को वेरीफिकेशन के लिए एक नेक्स्ट URL पे ले जाएगा, वहाँ पे आप दोबारा उन्हें बताएंगे भी हमने इस तरीके से वेरीफाई करना है। वहाँ पे वो आपको बैंक अकाउंट की जो ऐप होती है उसका यूज़र नेम मांगेगा Amazon, वहाँ पे आपने इसका यूज़र नेम ऐड टाइप कर दिया। उसके बाद वो आपसे यूज़र नेम को जब टाइप करेंगे तो वो लॉगिन के लिए आपसे एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा, वो आपने नीचे लॉगिन सिक्योरिटी कोड करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो देन ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को एक बार क्या कहते हैं रिफ्रेश करने के लिए आपके अकाउंट को लॉग आउट कर देगा, देन आपने दोबारा तरीके से लॉग इन करना है और आपने यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर देना है 2-step वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। आप अपना अकाउंट नंबर ऐड करेंगे, उसके ऊपर OTP आएगी, उस OTP को आप वेरीफाई करेंगे तो देन दोबारा तरीके से साइन इन करेंगे तो आपका अकाउंट साइन इन होके इस पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करवा देगा और आपको लिखा आ जाएगा भी बैंक अकाउंट लिंक सक्सेसफुली। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को पुट करना है, जिस पे अमेजोन ने फर्स्ट टाइम के ऊपर $39.99 चार्ज करने हैं। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये जो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पुट कर रहे हैं वो कभी भी अमेजोन के सेलर सेंट्रल क्रिएशन के दौरान यूज़ ना हुआ हो। अगर आप यूज्ड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे पुट करेंगे तो देन अमेजोन आपको लिंक्ड अकाउंट के थ्रू आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा और वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। डीएक्टिवेशन से बचने के लिए आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वो पुट करना है जो आपने कभी भी अमेजोन पे यूज़ ना किया हो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पुट करते हैं,
करंट कार्ड नंबर मैंने ऐड कर दिया है, उसके बाद एक्सपायरी में ऐड कर रहा हूँ, एक्सपायरी के बाद मैं कार्ड होल्डर नेम ऐड करूँगा उसका, उसके बाद मैं एड्रेस, अगर बिलिंग एड्रेस आपका सेम है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं सेम तो आपने वहाँ पे बिलिंग एड्रेस ऐड करके सेव पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने स्टोर फ्रंट नेम बताना है अमेज़ोन को, भी आपने स्टोर फ्रंट नेम जो लोगों को शो हो वो क्या रखना है। स्टोर फ्रंट नेम रख लिया हमने, उसके बाद आपने अमेज़ोन के चंद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें वो पूछ रहे हैं डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, अगर आपने नए तरीके से पीएल करनी है तो देन आप उसको यस पे क्लिक करेंगे, हमने क्योंकि पीएल नहीं करनी तो इसलिए हम नो पे क्लिक कर रहे हैं। अगर आप ब्रांड को ऑन कर रहे हैं तो देन आप यस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ब्रांड ऑन भी नहीं कर रहे ना ही हम मैनुफैक्चरर हैं, देन हम नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आपने जाना है, उसके बाद अमेज़ोन आपसे जो भी चीज़ें आपने पीछे सबमिट की हुई हैं उनकी आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, आपने वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो 900 DPI पे पासपोर्ट को स्कैन किया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं फाइल्स पे जाऊँगा अपनी, यहाँ से मैं पासपोर्ट उठा के अपलोड कर लूँगा। आपने पासपोर्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए वो आपसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगेगा, आपने वही बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी है जो आपने एड्रेस अमेज़ोन के सेलर सेंटर के अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी बैंक का स्टेटमेंट पुट करेंगे तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे मांगेगा भी आप किस तरीके से अपनी क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। वेरिफिकेशन करने के वो आपको दो मेथड देगा भी, आप या तो अपना आईडी कार्ड वर्चुअली वेरीफाई कर रहे हैं या वीडियो वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्लाइंट अवेलेबल था तो इसलिए हमने वीडियो वेरीफिकेशन के ऊपर किया। वीडियो वेरीफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपसे वो मांगेगा भी आपने आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए इसको अटैच करने के लिए। डॉक्यूमेंट में आपके पास लैपटॉप डिवाइस एंड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, उसके बाद फ्रंट फेसिंग कैमरा जिसके अंदर हो, और क्रोम और सफारी आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास ओरिजिनल वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपलोड किया है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे अपलोड किया है एड्रेस को वेरिफिकेशन के लिए वो भी होनी चाहिए। लैंग्वेज आप इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नोटिस रिकॉर्डिंग भी अमेज़ॉन कर सकता है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों पर क्लिक करेंगे आपको अमेज़ॉन एक लिंक दे देगा ज्वाइन वीडियो का, आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपको अमेज़ॉन का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आके वीडियो वेरीफाई कर देगा। इस तरीके से जैसे ही आप वीडियो वेरीफिकेशन करेंगे दो दिन बाद आपको अमेज़ॉन की ईमेल आ जाएगी और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखें जी, जैसे ही हमने कुछ देर वेट किया तो अमेज़ॉन का रिप्रेजेंटेटिव आ गया। ये जो बैक साइड पे बैठा है ये अमेज़ॉन का पर्सन है जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर है, और जो छोटी स्क्रीन के ऊपर है ये वो पर्सन है जिसने अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना है। इस तरीके से आपका अमेज़ॉन का सेलर सेंटर वेरीफाई हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगर आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो को या आप लोग चाहते हैं कि हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।